चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वन मंत्री की बयानबाजी से घिरे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह घटना के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए। दिग्विजय ने कहा कि कांग्रेस नेता अनुशासन में रहे और भाजपा को कोई मौका ना दे। इस दौरान सिंघार से मुलाकात को लेकर उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं डायबिटिक नहीं हूं, मैं मीठी चाय पीता हूं, कड़वी नहीं। इसका मतलब साफ है कि वह सिंघार से मिलने नहीं गए। आपको बता दें कि आज दिग्विजय और उमंग सिंघार के बीच मुलाकात भी होने वाली थी पर वो नहीं मिले। और ये भी हम आपको बता दें कि वन मंत्री उमंग सिंघार पर कार्रवाई के जवाब में उन्होंने कहा कि अब इस मामले में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ही निर्णय लें। आरोप से आहत होने पर के सवाल पर दिग्विजय ने कहा कि मुझे राजनीति में 50 साल हो गए हैं, मुझ पर लगातार हमले हुए हैं लेकिन मैं कभी विचलित नहीं हुआ, इसलिए ऐसे आरोपों से आहत होने का सवाल ही नहीं है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेरी लड़ाई देश की विविधता में एकता को बचाए रखने की है, भाजपा के खिलाफ ये संघर्ष जारी रहेगा। मंत्रियों को, मुख्यमंत्री जी को, केंद्र मंत्री जी को और जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनको लिखने की मेरी जवाबदारी है, मेरा कर्तव्य है और मैंने ये भी लिख के दिया है जो मेरा निवेदन नीति या नियम के विरुद्ध हो तो आप बिल्कुल ना करें, मुझे सूचित भर कर दें। और मैंने जो पत्र लिखा है, जो आप बार चर्चा बार बार हो रही है, उसमें इतना ही लिखा है कि आप मुझे बता दें कितना मैंने पत्र लिखा, उस पर क्या कार्रवाई हुई, ये कोई मांग गैर वाजिब है क्या? और मैं एक बात बता दूं आपको, कमलनाथ जी की शख्सियत वो नहीं है, वो इतने कमजोर नहीं है कि उनको और किसी की आवश्यकता पड़े। कांग्रेस पार्टी के हम सब लोग हैं और इन सब बातों को मैंने जैसा आपसे अनुरोध किया, कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सोनिया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वही इस पर जो भी निर्णय लेंगे वही लेंगे। सर, आपने मीठी चाय पियेंगे तो क्या उमंग सिंघार के साथ आप मीठी चाय पियेंगे क्या? ऐसा है, मैं डायबिटिक नहीं हूँ। सबसे तेज और सटीक खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।